हाय, मैं हूँ हीना पांचर एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली मसाला। ओके हीना, वेलकम टू टेली मसाला। क्या सोचकर गए थे आप घर में एंड कैसा लगा आपको इस शो का हिस्सा बनकर? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और क्या सोचकर गई थी वो तो आप सभी को पता है कि मैं एक्सप्लोर करने गई थी, एक ऐसा लड़का ढूंढने गई थी जो खुद का स्टैंड ले सके और खुद की आवाज को अपनी मॉम तक पहुंचा सके। सो या आई वेंट फॉर दिस। पारस के साथ पेयरिंग आपको क्यों लगा कि अच्छी बन सकती है? आप तो जानती ही होंगी कि उनकी इस समय झुकाव मायरा के प्रति थोड़ा ज्यादा है। मुझे झुकाव और ये सब अगर तो फिर उसको साइन नहीं करना चाहिए था अगर झुकाव मायरा की तरफ ज्यादा है। बट अगर आप ये बोलो, मैंने ये सोच कर गई थी बिकॉज वो लड़का हार्ड वर्किंग है, मतलब उसके लिए काम कितना इम्पोर्टेंट है। वो उसको फ्री माइंडेड गर्ल चाहिए, बोल्ड गर्ल चाहिए जो बातचीत करे, मस्ती करे, एंजॉय करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की चाहिए। सो ये सारे जो उसके डिमांड्स थे लड़कियों को लेकर, आई थिंक आई फिट इन दोस स्टफ, दैट्स रीजन मैंने वो सोच कर गई थी अंदर। ओके, शहबाज और आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया, उसमें क्या कहेंगे आप? किसने कनेक्ट किया, क्या किया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है बिकॉज मेरा और उसका एक बॉन्ड रहेगा और वो जिंदगी भर तक रहेगा। नो मैटर व्हाट, तुम उसको प्यार का नाम दो, तुम उसको किसी का भी नाम दो, बट वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मेरे भाई की उम्र वाला लड़का है, तो मैं कभी उस लड़के से प्यार भी नहीं कर सकती हूँ, और वो मेरे टाइप वाला लड़का भी नहीं है। इज अ वेरी गुड बडी एंड फ्रेंड टू मी। घर में फेक कौन लगा आपको और किसी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? सबसे ज्यादा फेक मुझे संजना और नवतेश लगे, और सबसे ज्यादा किसकी क्वालिटी मुझे पसंद आई है तो वो है शहनाज। ओके, किसी का अगर पोल खोल कुछ करना होगा तो किसका होगा वो, और क्या कुछ आप पोल खोलेंगे? पोल खोलने की बात है तो फिर किसी का पोल टाइप नहीं, बट किसी को जो नहीं बताना है वो बताना, दुनिया के सामने नहीं बताना है वो बताना है, तो फिर मैं एक शहजादा का कुछ है मेरे पास लास्ट जो मैं कर सकती हूँ, बट छोड़ जाने तो उसने कुछ तो विश्वास किया मुझ पर, बट उसने ना वो दिखाया नहीं बार, उसने मुझे बोला था कि मैं फेक लड़की हूँ, उसको पता चलेगा हीना पंचल क्या। ओके, किसी की जोड़ी अगर बनानी होगी तो किसकी बन सकती है? घर में इतने सारे लोग आए थे तो और किसकी बनेगी और किसकी नहीं, ऐसे लगता है आपको? अगर बन सकती थी तो फिर मैं सीरियसली बोलूँ बल्लू और अंकिता के तो बन गए, और अगर पारस का बोलो तो फिर एक टर्म पे जस्मिन के साथ बन सकती थी। एंड मैं अपने आप को नहीं रख लूँ इसमें कंसिडर, मैं वो मैच नहीं कर रही हूँ। एंड मयूर की बन सकती थी जस्मिन के साथ, शिवानी की बन सकती थी रोहन प्रीत के साथ, बस। ओके, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट प्रोजेक्ट्स नाउ यू हैव इन योर माइंड? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो मेरे आइटम सॉन्ग्स है जो मराठी में मैं जाने से पहले कर चुकी थी, एंड अपकमिंग मूवीज में अपकमिंग प्रोजेक्ट में मुझे एक मूवी का ऑफर हुआ है, सो वंस आई डू दैट रीडिंग एंड ऑल दैट स्टफ वंस आई गेट अ कंफर्मेशन आई विल अपडेट यू। और आई एम विलिंग टू डू लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियो एल्बम्स पंजाबी स्पेशली, सो लेट्स सी वेयर इट गोज, हाउ इट गोज।